मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। तो अजीज़ों, आज जिस किरदार को, जिस उन्वान को हमने बाइबल मुकद्दस में से आपके लिए चुना है, वो उन्वान है बच्चों की तरबियत कलाम मुकद्दस के मुताबिक। तो आज हम सीखेंगे कि बच्चों की तरबियत को किस तरह कलाम मुकद्दस के मुताबिक किया जाए ताकि वो जब बड़े हों तो एक अच्छे मसीही बने। और सबसे पहले आज की अपनी मेहमान को हम स्टूडियोज़ में वेलकम करेंगे। मिसेस सना, वेलकम टू आर स्टूडियोज़। थैंक यू मिस सोनिया, थैंक यू। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और मैं चाहूँगी कि मिसेस सना आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जी ज़रूर, आए हम दुआ करें। प्यार से भरे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तो कितना मेहरबान है और अपने लोगों से बहुत प्यार करता है। खुदावंद, हम तेरी इस मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद खुदा फजल बख्श दे के हम तेरी इस मोहब्बत में कायम रहें और खुदावंद दर्जा बदर्जा तुझ में बढ़ते चले जाएं और अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद जी तेरे नाम को जलाल दें। और ऐ पा खुदा, तूने जो हमें ज़िम्मेदारी दी है कि खुदावंद हम तेरी खुशखबरी को फैलाएँ, खुदावंद तू कसरत के साथ हमें इस्तेमाल कर। हमारा बोलना, हमारा बातचीत करना आए खुदावंद तुझे पसंद आए, क्योंकि खुदावंद खुदा हम इस सारे वक्त पर इन सारी बातों पर खुदावंद तेरा हाथ चाहते हैं और पाक रूह की रहनुमाई को मांग लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो अजीज़ों, आइए देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें बच्चों की तरबियत के हवाले से क्या सिखाती है। तो आप सब मेरे साथ मिलकर अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए तो हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में इमसाल की किताब में उसके 22 बाब की 6 आयात। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, लड़की की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए वाज़े बरकत हो। तो अजीज़ों, आइए देखते हैं और सीखते हैं अपनी आज की मेहमान से कि बच्चों की तरबियत को कलाम मुकद्दस के मुताबिक कैसे किया जाए। सो मिसेस सना, आप हमें सिखाएं कि बच्चों की तरबियत को कलाम मुकद्दस के मुताबिक कैसे करना चाहिए। थैंक यू मिस सोनिया, ये बड़ा ही एक टफ़ टाइम है और ख़ूबसूरत भी है। टफ़ टाइम इस केस में जब हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, और ख़ूबसूरत इसलिए जब हम बोझ के साथ चीज़ों को करते हैं। सो जब हम ईमानदार हैं, वालिदैन ख़ास तौर पे माँ, तो ये बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। बिल्कुल, हमने कलाम में पढ़ा कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने इनको क्या डायरेक्शन देनी है। एज ए ईमानदार हमने इनको क्या डायरेक्शन देनी है। मैंने अक्सर ख़ानदानों में देखा है, बच्चा अभी बढ़ता है, अपनी ज़िंदगी के कुछ मकासद सेट कर रहा होता है, हम उसके जहन में शुरू से बिठा देते हैं, आपने इस फील्ड में जाना है, इसमें बहुत पैसा है। बिल्कुल, हमने उनके जहन में डाल दिया है कि आपने पैसा कमाना है, क्योंकि हमने उनको बताया नहीं कि आपने एक ईमानदार ज़िंदगी भी गुजारनी है, आपने चर्च के साथ अपना ताल्लुक बनाना है, आपकी ज़िंदगी में दुआ भी होनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी में कलाम भी होना चाहिए। बिल्कुल, हम सोचते हैं बड़े होंगे, समझदार होंगे, खुद ही इस राह पे आ जाएंगे, लेकिन जिस राह पे हमने बचपन में उनकी तरबियत कर दी है वो उसी राह पे चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमें कलाम बता रहा है, बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है। क्योंकि जो आपने इसको बचपन में सिखा दिया ना, वो बूढ़े होने तक उनके साथ चलेगा। और एज ए मदर बहुत ज़िम्मेदारी है कि हम उनको क्या सिम्त दे रहे हैं, हम उनको क्या बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी आइंदा ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अपने आप को उन्होंने कैसे डिसिप्लिन करना है, अपने आप को उन्होंने कैसे एक ईमानदार के तौर पर पेश करना है। अगर शुरू से दुनियावी मकासद हैं तो फिर ज़िंदगी भी दुनियावी है। बिल्कुल, और अगर शुरू से उनको खुदा की तरफ लगाएंगे तो आगे ज़िंदगी में उनके लिए ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होएंगी, ना हमें फ़ोर्स करना पड़ेगा कि आप दुआ करें, आप कलाम पढ़ें, लोग क्या कहेंगे, इनके माँ बाप ईमानदार हैं, बच्चे खुदा से दूर हैं। ये आपको उस वक्त पता चलता है जब वो दूर हो चुके होते हैं, लेकिन जब वो आपके हाथ के नीचे हैं, देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तभी से उनको अपने साथ दुआ में बिठाएं, उनको अपने साथ कलाम में बिठाएं, उनको शुरू से सिखाएं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आपने बयान किया मैम कि हमें किस तरह जो है बचपन से ही
बच्चों को कलाम मुकद्दस की बातें बतानी चाहिए ताकि जहाँ जिस रस्ते पर उन्होंने चलना है वो बचपन से ही अपने आप को उस रस्ते के लिए तैयार करें। और कलाम मुकद्दस का जो प्यार है, जो उसका इल्म है और जो उसकी बातें हैं, वो बचपन से उनके दिमाग में जो है वो बैठ जाएं, ताकि वो उन पर दिल से जो है वो ईमान लेकर आए। मैम, कुछ बच्चे होते हैं बचपन से ही एग्रेसिव तबीयत के होते हैं, और माँ बाप उनको अगर जिस चीज़ का कहते हैं तो वो एक बचपन में उनके होता है बच्चों में कि वो चीज़ नहीं मानते, वो जो है वो उस तरफ जो है कोशिश करते हैं कि जिस चीज़ से ज़्यादा उनको कहा जा रहा है वो नहीं करेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए आप कोई राय बताएं कि उनको किस तरह चर्च की एक्टिविटीज़ में एक्टिव किया जाए। देखिए, एक मेरे पास बात है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर दो तिमोथियस के खत में देखें, दूसरा तिमोथियस, उसका पहला बाप, उसकी 5 आयत, तो वहाँ पर तिमोथियस का जिक्र है। और तिमोथियस की ज़िंदगी में दो शख्सियात हैं, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। जी जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। उसकी नानी और उसकी माँ ने। बच्चे शुरू से ऐसे ही होते हैं, लेकिन हमारा रवैया, हमारी शख्सियत उनको बनाती है। बिल्कुल, बच्चे एग्रेसिव होते हैं, लेकिन मेरा वे ऑफ टॉकिंग क्या है? मैं उसको किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रही हूँ या मैं इसको मेंटली उस चीज़ के लिए तैयार कर रही हूँ? क्योंकि मेरे फोर्स करने में और उसका जहन बनाने में बहुत फ़र्क है। जब मैं इसको मजबूर करूँगी ना तो वो इनकार करेगा। बिल्कुल। और जब मैं उसका जहन पहले से तैयार करूँगी तो फिर वो मेरी बात को मानने के लिए ना इनकार नहीं करेगा। उसकी नानी ने और उसकी माँ ने उसके अंदर ईमान को पुख्ता किया। लिखा है कि तेरा बेरिया ईमान, कि उसके अंदर जो ईमान की पुख्तगी है ना, उस पर उन दो लेडीज़ ने काम किया है। तो बच्चों के जज्बात और उनकी फीलिंग्स उस वक्त आपकी समझ में आती हैं जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं अपने बच्चे के साथ टाइम नहीं स्पेंड करती, मैं उसकी फीलिंग्स को, उसके जज्बात को नहीं समझ सकती। अगर मैं मतलब और बड़ी चीज़ों में बिज़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी वैसे करें, तो मुझे उनको टाइम देना है। बिल्कुल, मुझे उनको उस तरफ लेके आना है, ताकि मेरी शख्सियत को देखकर, मेरे रवैये को देखकर उनको फ़ोर्स ना करना पड़े। मैं अक्सर वालिदैन से सुनती हूँ, वो कहते हैं जी हम चाहते हैं हम अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करें, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ख़ुद कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। बिल्कुल बिल्कुल। जो कुछ हम उनको कह के करवाना चाहते हैं ना, वो कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। जो कुछ वो हमें करता देखेंगे ना, वो करेंगे। बिल्कुल, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगी कि ड्यूरिंग बीएड जब हमने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी तो उस पर हमने ये पढ़ा कि बच्चे वो नहीं करते जो वो सुन रहे हैं, जो उनसे बार बार कहा जा रहा है, बल्कि उनके माँ बाप और उनके आसपास का माशरा वो जो चीज़ें होते हुए देख रहे होते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, जो चीज़ें वो खुद कर रहे होते हैं वो उनसे ज़्यादा सीख रहे होते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि वो प्रैक्टिकली ऐसे एग्जाम्पल उनके सामने करें ताकि बच्चे वो चीज़ें जब देखें तो उनको अपनी ज़िंदगी में वो बराह रास्त अमल कर सके। उनको इस अपने हैंड्स ऑन जो है उनको एक्सपेरिमेंट करवाएं, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दें, वो अपने हाथों से उन कामों को करना सीखें। अगर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा चैरिटी करे, तो वो अगर अपने माँ बाप को बच्चा देखेगा कि मेरे माँ बाप चैरिटी कर रहे हैं, तभी वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ पाएगा कि हमें खैरात कैसे देनी है। अगर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, उसने कभी अपने माँ बाप को खैरात देते हुए नहीं देखा, दुआ करते हुए नहीं देखा, तो जब उसने एक चीज़ देखी ही नहीं और उसे सिर्फ कहा जाए कि आपने दुआ करनी है, आपने दुआ करनी है, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई स्कीमा नहीं, उसके पास कोई जो है वो प्रसेप्शन नहीं है, उसने कोई एक्सपीरियंस ही नहीं लिया, कुछ देखा ही नहीं कि कैसे दुआ करें। तो जब माँ बाप खुद बच्चे के सामने दुआ करेंगे, जब बच्चा उनको दुआ करते हुए देखेगा, वो इस चीज़ को अपने माइंड में बिठाएगा कि दुआ इस तरह की जाती है, मेरे अम्मी अब्बू दुआ कर रहे हैं, तो वो देखकर ये चीज़ें अपने माइंड में बिठाएगा और वो फिर इस राह पर अमल करेगा। बिल्कुल, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे मज़ीद। और एक जो चीज़ और ज़रूरत है, बच्चों के साथ अपना जो रवैया उसको लविंग रखें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि पेरेंट्स एक ऐसी बाउंड्री है उनके लिए जहाँ वो सब कुछ कह सकते हैं और किसी के साथ वो इतने फ्रैंक नहीं होते, लेकिन जब पेरेंट्स बाउंड्री बना लेते हैं फिर बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है जी। फिर वो और एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो जाते हैं। सो लुका की अंजील में 15 बाब उसकी 20 आयत में एक एग्जांपल हमारे सामने आती है मुसरफ बेटे की। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक टाइम में घर से चला गया, लेकिन उसका जो वापस लौटना है ना,
उसमें एक बाप की बड़ी शफकत नज़र आती है। लिखा है कि उसको उस पर तरस आया, उसने उसको गले लगाया और चूमा। मैं देखती हूँ आज हमारे ख़ानदानों में बच्चे कुछ गलत करते हैं और जब वो वापस आते हैं फैमिली में बड़े लोग उनको टॉन्ट करते हैं, तंज करते हैं, बार बार उनको एक ही बात समझाते हैं जिससे बच्चे पजल हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर वो वापस आया है, अगर उसको एहसास हुआ है तो उसके साथ मोहब्बत करें। बिल्कुल, अपनी शफकत दिखाएं, उसको आप में और दुनिया में फ़र्क लगे कि एक ईमानदार बाप की या माँ की मोहब्बत कैसी है और एक दुनिया जो उसके लिए एक भीड़ की तरह है वो डिफरेंट है, और उसको एहसास हो कि उसने पीछे कितना गलत फ़ैसला लिया है। और आज जब वो मतलब अपने माँ बाप को एक्सेप्ट करता है तो उसके माँ बाप उससे डबल उसको एक्सेप्ट करें कि वो वापस आ गए। सो बच्चों से गलतियाँ भी होती हैं, बच्चों से गलतियाँ होंगी क्योंकि वो हैं बच्चे, लेकिन उनको कैसे ठीक करना है, उनको कैसे आगे लेके चलना है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को तंज ना करें, उनको मतलब बार बार डिग्रेड ना करें, बात बात पर उनको ना सुनाएं कि पता है आपने ऐसे किया था, पता आपने ऐसे किया था। कई दफ़ा बच्चे इस बात से उकता जाते हैं और ये रवैया बड़ी तकलीफ दे होता है। बिल्कुल, बच्चों से मोहब्बत करें, उनको बताएं कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हैं, आपका रिश्ता, आपका ताल्लुक कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, और जैसी फिक्र आप उनके लिए कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। बिल्कुल, और ये आपकी मोहब्बत करेगी, ये आपका रवैया करेगा, ये आपकी शख्सियत करेगी। बिल्कुल, और उनको बनाएगी। बिल्कुल मैम, हमें ये बताएं कि कभी कभी पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप होता है। हाँ जी, वो खुलकर अपने जज्बात का या अगर उन्हें कोई चीज़ परेशान कर रही, कभी कभी तो वो सवाल भी नहीं कर पाते। हाँ जी, अगर उन्हें कुछ किसी चीज़ में समझ नहीं आ रहा, राय चाहिए या वो कंफ्यूज हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स का इजहार अपने माँ बाप से नहीं कर पाते। तो इस कम्युनिकेशन गैप को कम करने के लिए कुछ बताइए। कम्युनिकेशन गैप उस वक्त आता है जब मैं समझूं कि मैंने जो पीछे 10-20 साल ज़िंदगी गुजारी है ना, वो परफेक्ट थी, अब का जो दौर है ना वो ठीक नहीं है। सो ये हमारा गैप आ जाता है। अगर मैं सोचूं कि मैंने जो ज़िंदगी गुजारी या जो मेरा वक्त पीछे गुजर गया वो गुजर गया, मैं आज में हूँ और मैंने आज अपने बच्चों के साथ चलना है, लेकिन मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा वो अपने पिछले ज़माने की बातें कर करके ना बच्चों को वैसा करना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन बच्चे उकता आ जाते हैं। और कलाम में लिखा है कुलसियों के ख़त में देखें 3 बाब उसकी 21 आयत में, उसमें लिखा है कि बच्चों को दिख ना करें, ठीक है, उनको गुस्सा ना दिलाएं। बिल्कुल, हमारे कई दफ़ा रवैये उनको गुस्सा दिलाते हैं, हमारे कई जज्बात उनको, बेशक हमारी इंटेंशंस अच्छी हैं, हम उनको मतलब एक प्रॉपर पर्सन देखना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज के दौर में उनके साथ चलें, आज का टाइम देखें कि आपके बच्चे क्या लाइक कर रहे हैं, क्या डिसलाइक कर रहे हैं, उनके साथ बैठें, उनकी एक्टिविटीज़ में उनके साथ शामिल हों, वहाँ आप उनको सिखा सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। और अगर मैं हर वक्त मतलब अपने आप को सख्त रखूँ और यस और नो करूँ तो बच्चे मेरे से इरीटेट होंगे, वो कहेंगे कि आपको नहीं पता आज क्या हो रहा है, आपको नहीं पता, मतलब वो आपको डिग्रेड कर देंगे। बिल्कुल, सो आपको आज के दुनिया का भी पता होना चाहिए कि आज क्या हो रहा है, ना कि आप उनको पिछले ज़माने की बातें सुना के अपसेट करते रहें। बिल्कुल, मिसेस सना, आई एग्री टू यू, और हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, मज़ीद हम सीखेंगे कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।